असम में चार स्थानों पर चार विस्फोट हुए। जानकारी के मुताबिक ये धमाके ग्रेनेड से किए गए। सुबह सूचना आई थी कि डिब्रूगढ़ के ग्राहम बाजार में NH-37 के पास एक दुकान में विस्फोट हुई है। हालांकि अब राज्य में कुल चार धमाकों के बाद से शासन प्रशासन अलर्ट पर है। 71वें गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के दौरान नई दिल्ली स्थित राजपथ पर भारत की सैन्य ताकत और सांस्कृतिक विविधता की झलक देखने को मिली है। ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो की मौजूदगी में जल थल नभ में भारत ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। इस बार राजपथ पर गणतंत्र दिवस समारोह में कई हथियार पहली बार शामिल किए गए। छब्बीस जनवरी को भारत अपना 71वां गणतंत्र मना रहा है। हर साल की तरह इस बार भी देश की राजधानी दिल्ली स्थित राजपथ पर धूमधाम से गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया गया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम मन की बात शाम 6 बजे प्रसारित होगा। ये इस साल का पहले मन की बात कार्यक्रम होने वाला है। आमतौर पर मन की बात रविवार सुबह 11 बजे प्रसारित होता है, लेकिन गणतंत्र दिवस के कारण इसके समय में बदलाव किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस गणतंत्र दिवस पर कई साल पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए परंपरा का आगाज कर दिया। उन्होंने युद्ध वीरों की शहादत को सलाम करने इंडिया गेट स्थित अमर जवान ज्योति नहीं गए, बल्कि बगल में ही नवनिर्मित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर देश के पहले CDS के अलावा तीनों सेना प्रमुख मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार भारतीय वायुसेना के शौर्य का जोर शोर से प्रदर्शन किया गया। वायुसेना की झांकी में राफेल लड़ाकू विमान से लेकर अमेरिकी एयरक्राफ्ट चिनूक भी शामिल किया गया। परेड में स्वदेशी छोटू लड़ाकू एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर भी प्रदर्शित किए गए। साथ ही जमीन से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल भी गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में रविवार को गणतंत्र दिवस के मौके पर गोंडा विधानसभा में रोड शो करने के लिए पहुंचे। गोंडा विधानसभा सीट आम आदमी पार्टी के पास है। रैली के दौरान उन्होंने गोंडा से बीजेपी उम्मीदवार अजय महावर के लिए वोट की अपील की। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के शाहीन बाग में तिरंगा फहराया गया है। यह तिरंगा JNU के लापता छात्र नजीब अहमद की मां और रोहित वेमुला की मां राधिका वेमुला ने एक साथ मिलकर फहराया है। JNU के छात्र रजील इमाम के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी शर्जील पर हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत कोई मुर्गी की गर्दन नहीं जिसे तोड़ा जा सके। शाहीनबाग के प्रदर्शनकारियों ने शर्जील इमाम मामले में बयान जारी कर कहा है कि शर्जील इमाम और किसी भी एक व्यक्ति को प्रदर्शन का आयोजक नहीं कहा जा सकता है। शाहीनबाग की महिलाएं इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही हैं। हम सभी से आग्रह करते हैं कि खुद को प्रदर्शन का कथित मास्टरमाइंड और प्रतिनिधित्व करने वाला बताने वाले व्यक्ति विशेष के बहकावे में न आए। पूरे देश भर में 71वां गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इसी बीच कश्मीर में भी लोग गणतंत्र दिवस मनाते नजर आए। LOC के पास कुपवाड़ा समेत अन्य जगहों पर स्थानीय लोगों ने सेना के जवानों के साथ मिलकर तिरंगा लहराया। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद नए केंद्र शासित प्रदेश बने जम्मू कश्मीर में गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया गया। जम्मू में प्रदेश के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने तिरंगा फहराकर सुरक्षा बलों की सलामी ली। गणतंत्र दिवस से पहले भारत पाकिस्तान के अटारी बॉर्डर पर गणतंत्र दिवस को लेकर जश्न मनाया गया। इस दौरान कई तरह के प्रोग्राम किए गए, वहीं अलग अलग तरह के गानों पर कलाकारों ने परफॉर्म भी किया। गणतंत्र दिवस पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और CM योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा फहराया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल राजभवन में और CM योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री आवास में झंडारोहण किया। CM योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। CM योगी ने ट्वीट कर कहा है, गणतंत्र दिवस स्वाधीनता सेनानियों के त्याग और बलिदान का
स्मरण कराने के साथ ही हमें संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति सचेत भी करता है। उन्होंने कहा कि ये राष्ट्र पर्व हमें आत्मचिंतन करने और महान देशभक्तों के सपने और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध होने का अवसर प्रदान करता है। प्रदेश सरकार समाज के विभिन्न वर्गों के हित और राज्य के समग्र विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं और कार्यक्रम को लागू किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कांग्रेस भवन में तिरंगा फहराया। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को प्रदेश और देश के विकास में जुटने की अपील की। इस अवसर पर नव नियुक्त कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद रहे। 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने बिजनौर पुलिस लाइन में ध्वजारोहण किया। प्रभारी मंत्री की ओर परेड ने सलामी दी। पुलिस लाइन ग्राउंड को दुल्हन की तरह सजाया गया। स्कूली बच्चों ने भी रंगारंग कार्यक्रमों में अपनी प्रस्तुति दी। बिजनौर पुलिस लाइन में धूमधाम से गणतंत्र दिवस का समारोह मनाया गया। गणतंत्र दिवस के मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत गोरखपुर पहुंचकर छात्रों को संबोधित किया। साथ ही सरस्वती विद्या मंदिर सुभाष नगर सूरज कुंड के छात्र छात्राओं के बीच ध्वजारोहण भी किया। हल्द्वानी में 34वीं वाहिनी आईटीबीपी ने भी गणतंत्र दिवस के दिन झंडा फहराया है। आईटीबीपी कमांडेंट मुकेश यादव ने झंडारोहण कर सलामी ली है। हल्द्वानी में हीम वीरों की ये परेड देखने के लिए लोग दूर दूर से पहुंचे। इस दौरान जवान देशभक्ति के गीतों पर थिरकते भी नजर आए। फरुखाबाद में संस्कार भारती की ओर से गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत माता पूजन के अंतर्गत एक भारत श्रेष्ठ भारत यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में विभिन्न प्रदेशों की वेशभूषा में शामिल हुए लोगों ने विविधता में एकता का संदेश भी दिया। उत्तर प्रदेश की झांकी में ब्रज की होली तो बिहार की झांकी में छठ पूजा की धूम रही। सिंधी समाज के लोग भगवान झूलेलाल के साथ सड़क पर डांडिया नृत्य करते देखे गए। रामपुर के गांधी समाधि पर आज केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख और मंत्री सूर्य प्रकाश पाल सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी और राष्ट्रगान गाया। वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मंच से कहा कि इस बार हमारे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक झंडारोहण किया गया है। 71वें गणतंत्र दिवस के मौके पर देश में चारों तरफ जश्न का माहौल है। पूरा देश देशभक्ति में सराबोर नजर आ रहा है। ऐसा ही देशभक्ति का नजारा देखने को मिला है सोनभद्र में, जहां गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने झंडा फहराया। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास में गणतंत्र दिवस मनाया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ध्वजारोहण किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि आज हमें देश के विकास के बारे में सोचने की जरूरत है। जिस तरह से देश को तोड़ने वाले खड़े हो रहे हैं, ऐसे में जरूरी है कि देश की जनता खड़ी हो और राष्ट्र निर्माण में सहयोग करे। भारत के चार शहरों में 11 लोगों को चीन से लौटने के बाद निगरानी में रखा गया है, जिनमें नए कोरोना वायरस के हल्के लक्षण देखने को मिले हैं। भारत के केरल राज्य में 7, मुंबई में 2, बेंगलुरु और हैदराबाद में 1-1 संदिग्ध व्यक्ति को निगरानी में रखा गया है। केरल और महाराष्ट्र में 100 से अधिक लोगों के कोरोना वायरस की चपेट में आने की आशंका के मद्देनजर चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है। इस बीच प्रधानमंत्री कार्यालय ने चीन में घातक कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को लेकर वैश्विक चिंता के बीच इससे निपटने के लिए भारत की तैयारियों की समीक्षा भी की है। दिल्ली के शाहीन बाग के तर्ज पर संभल में भी पक्का बाग में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में मुस्लिम महिलाएं 3 दिन से धरने पर बैठी हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद और असमोली विधानसभा से सपा विधायक पिंकी यादव धरने में शामिल हुई और नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कानून को अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताया। गणतंत्र दिवस के मौके पर 28 सीबीआई अफसरों को इस साल प्रेसिडेंट पुलिस मेडल देने की घोषणा की गई है। प्रेसिडेंट मेडल से सम्मानित होने वाले सीबीआई अफसरों में डीएसपी रामास्वामी पार्थ सारथी भी शामिल हैं, जिन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को उनके घर की दीवार फांद कर अरेस्ट करने वाली सीबीआई टीम का नेतृत्व किया था।
राम मंदिर निर्माण के लिए देश के 3 लाख से अधिक स्थानों पर एक साथ राम महोत्सव मनाए जाने को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने तैयारी तेज कर दी है। ये उत्सव 25 मार्च से 7 अप्रैल के बीच आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर 2 दिवसीय विश्व हिंदू परिषद के मुख्यालय कार सेवकपुरम में अवध प्रांत के पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया है। विहिप के मुताबिक देश के प्रत्येक जिले के सभी प्रमुख मंदिरों पर यह आयोजन किया जाएगा। वहीं अयोध्या में श्रीराम महोत्सव के बीच ही श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का काम भी शुरू किया जाएगा। मथुरा में श्रम एवं समायोजन राज्य परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष और बीजेपी नेता रघुराज सिंह को फोन से धमकियां मिल रही हैं। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रघुराज सिंह को यह धमकी अलीगढ़ में सीएए के समर्थन में हुई रैली में दिए गए बयान के बाद मिल रही है। मंत्री रघुराज सिंह को 2 बार उस समय धमकी मिली जिस समय वो वृंदावन आए हुए थे। धमकी देने वाले ने उनको फोन पर धमकी देते हुए जान से मारने की धमकी दी। धमकी के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। गाजियाबाद के कौशाम्बी स्थित यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के हड्डी रोग और जोड़ प्रत्यारोपण विभाग के डॉक्टरों ने एक बड़ी सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दे दिया है। जी हां, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस उपलब्धि के बारे में बताते हुए डॉक्टरों ने कहा कि पूर्वी अफ्रीका के युगांडा देश के रहने वाले 54 वर्षीय जॉन पिछले 22 सालों से अपने शरीर का पूरा वजन देकर खड़े नहीं हो पाते थे और उन्हें अत्यंत दर्द होता था। हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित ग्लोबल एग्जीबिशन ऑन सर्विसेज के दौरान जॉन को हॉस्पिटल के बारे में पता चला, जिसके बाद वो बेंगलुरु से सीधे यशोदा हॉस्पिटल पहुंचे। इलाज के लिए हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक विभाग के सीनियर डॉक्टर ने उन्हें परामर्श देकर हड्डी की सर्जरी की सलाह दी और ये सर्जरी कामयाब हुई है। अलीगढ़ में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने एएमयू और जेएनयू को तुरंत बंद कर देना चाहिए ये कहा है। फिर से दोनों ही यूनिवर्सिटियों की स्थापना होनी चाहिए। एएमयू और जेएनयू दोनों ही आतंकवादियों के अड्डे बन चुके हैं। कुछ बच्चों को इन आतंकवादियों ने भटका दिया है और कहीं से धन लाकर ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मर्यादा में रहकर धरना प्रदर्शन करना चाहिए। देश में रहेंगे और आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहेंगे, अब ये नहीं चलने वाला है। जौनपुर के नेवादा गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक ने एक ट्रैक्टर को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद अनियंत्रित ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक साइकिल सवार की मौत हो गई। कौशाम्बी जिले में एक तेज रफ्तार से आ रही स्कॉर्पियो गाड़ी ने 6 साल की बच्ची को कुचल दिया। बच्ची की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद गाड़ी सवार मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और स्कॉर्पियो की तलाश में जुट गई। नमामि गंगे योजना के तहत 27 जनवरी को गंगा यात्रा का शुभारंभ करने आ रहे प्रदेश के महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के कार्यक्रम को देखते हुए सफाई अभियान में जुटे 3 सफाईकर्मी NH-31 पर स्थित बैरिया थाना क्षेत्र के प्रसाद छपरा ढाला पर गाड़ी की चपेट में आने से घायल हो गए। ग्रामीणों ने आनंद फानंद में सभी को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां एक की मौत हो गई। घटना से कर्मचारी खासे नाराज नजर आए। जिला अस्पताल में कर्मचारी प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी किए। इस घटना पर डीएम ने दुख जताया है और कहा है कि इनके लिए जो भी संभव होगा मदद किया जाएगा। कानपुर जिला विद्यालय निरीक्षक ने 4 लोगों के ऊपर गंभीर धाराओं में कोतवाली कर्नलगंज में मुकदमा दर्ज कराया है। 4 आरोपियों ने शिक्षा विभाग के दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करके लाखों रुपए का घोटाला किया है। मुरादाबाद में ग्राम विकास अधिकारी को शौचालय निर्माण में धांधली के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दरअसल शौचालय निर्माण में 4,44,000 की धांधली का ग्राम विकास अधिकारी पर आरोप लगा है। जांच के बाद दोषी पाए जाने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने ग्राम विकास अधिकारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मेरठ थाना क्षेत्र में पुलिस ने इनामी बदमाश को मार गिराया है। बदमाश थाना क्षेत्र के रिटायर्ड जज की पत्नी से लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहा था। वहीं पुलिस की जवाबी कार्रवाई में इनामी बदमाश घायल हो गया और अस्पताल में उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। एक अन्य बदमाश फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताया जा रहा है।
रामपुर के थाना मिल्क खाना में कुछ दिन पहले रंजीत अपनी पत्नी को लेने ससुराल गया था। ससुराल में रंजीत और उसके ससुराल वालों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। कहासुनी इस कदर बढ़ गई कि बात मारपीट तक जा पहुंची। मारपीट के दौरान ससुराल वाले ने रंजीत के सर पर लोहे की रॉड मार दी, जिससे कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। रंजीत के परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है, जिस पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बुलंदशहर में मंचलों के हौसले बुलंद हैं। बीच सड़क पर मंचलों ने छात्रा के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया है और छेड़छाड़ के विरोध पर मंचलों ने छात्रा को पीटा दी है, जिसके बाद राहगीरों ने मंचले की धुलाई कर दी। पूरी वारदात जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। छात्रा के पिता ने दो युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। हापुड़ में 20 दिसंबर को सीए के विरोध में शहर में जुमे की नमाज के बाद हजारों की भीड़ में शामिल उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने वीडियोग्राफी के जरिए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में शामिल 51 लोगों को पहचान कर लिया गया है। 200 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। मुजफ्फरनगर में एक हफ्ते पहले कूड़े के ढेर से मिली एक व्यक्ति का शव मिलने के मामले में एसटीएफ मेरठ और कोतवाली पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 हत्यारों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की जाने वाली स्विफ्ट कार और मृतक के सभी दस्तावेज बरामद किए हैं। यूपी एसटीएफ और आजमगढ़ पुलिस की संयुक्त टीम ने 25-25 हजार के इनाम के 2 शातिर साइबर अपराधियों को गौतम बुद्ध नगर से गिरफ्तार कर लिया है। पिछले साल मार्च में पवई थाने की पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया था, जिनसे जानकारी जुटाकर एसटीएफ और आजमगढ़ पुलिस की संयुक्त टीम ने गौतम बुद्ध नगर के शेफी मार्केट की एक दुकान पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस को देख 2 ऑनलाइन ठगी करने वाले अपराधी भागने की फिराक में थे, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। पुलिस ने इनके पास से 0.5 दर्जन कंप्यूटर, कंपनियों के प्राइवेट डेटा, मोबाइल फोन, सिम कार्ड आदि सामान बरामद किए। व्हाइट हाउस के वकीलों ने सीनेट में ऐतिहासिक महाभियोग कार्रवाई में डोनाल्ड ट्रंप का बचाव करना शुरू कर दिया है। वकीलों ने कहा है कि राष्ट्रपति ने यूक्रेन के साथ बातचीत में कुछ गलत नहीं किया और अमेरिकी मतदाताओं को उनके भाग्य का फैसला करना चाहिए, न कि कांग्रेस। भारत ने चीन से अनुरोध किया है कि वुहान में फंसे 250 भारतीय छात्रों को शहर छोड़ने की इजाजत दी जाए। वुहान कोरोना वायरस के संक्रमण का मुख्य केंद्र बताया जा रहा है। माना जाता है कि भारत के करीब 700 छात्र वुहान और आसपास के इलाकों में स्थित यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज ऑकलैंड में दूसरा T20 शुरू हो चुका है, जहां एक तरफ पहला मैच जीतकर भारत 1-0 से आगे है, तो वहीं न्यूजीलैंड को पहली जीत की तलाश है। और आपको बता दें, इस मामले में अपडेट है कि इंडिया ये मैच जीत चुके हैं। कपिल देव ने ऋषभ पंत को लेकर बयान दिया है। ऋषभ पंत जैसे प्रतिभाशाली क्रिकेटर को खुद ही अपने विरोधियों को गलत साबित करना होगा। पंत ने करियर का आगाज शानदार तरीके से किया था, लेकिन बाद के मैचों में वो विकेट कीपिंग के साथ बल्ले से कोई कमाल नहीं कर पाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने धमकी दी है कि अगर भारत इस साल सितंबर 2020 में होने वाले एशिया कप टूर्नामेंट खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आएगा, तो उनकी टीम 2021 में भारत की मेजबानी में आयोजित होने वाले T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेंगे। प्रोड्यूसर और टीवी क्वीन एकता कपूर को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एकता कपूर भारतीय दर्शकों में अपने सीरियल्स के लिए काफी लोकप्रिय हैं। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 83 इसी साल 10 अप्रैल को रिलीज होने जा रही है। फिल्म से जुड़ी तस्वीरें और पोस्टर्स लगातार रिलीज हो रहे हैं। रणवीर सिंह ने फिल्म की पूरी स्टार कास्ट की एक साथ ली गई कुछ तस्वीरें साझा की हैं। तस्वीरों में उनकी फिल्म 1983 की भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का किरदार निभा रहे हैं। सभी कलाकार नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ सभी एक साथ खड़े दिख रहे हैं। असीम रियाज बिग बॉस में एंट्री के बाद से ही टॉक ऑफ द टाउन बने हुए हैं। अब असीम रियाज को बॉलीवुड इंडस्ट्री में बड़ा ब्रेक मिल गया है और उन्होंने बिग बॉस में बने हुए ही एक बॉलीवुड फिल्म साइन कर ली है। महेश भट्ट की इस मूवी में असीम के साथ सनी लियोन नजर आ सकती है।